पब्लिक लाइफ से मैं निधि जैन और आज प्रचार में ये जो जन चौपाल लगाई हुई है उसमें अपन कुछ लोगों से संपर्क करते हैं कि वो पार्टी लेवल से हैं कि आम जनता हैं और वो क्या चाह रहे हैं। जी सर, आपका नाम? युवराज कुड़ी। आप कहाँ से हैं? राजनगर वार्ड से हैं। आप बीजेपी से परेशान हैं कि कांग्रेस क्या है, आपके विचार क्या है? पेट्रोल बंद दिया है और कुछ नहीं दिया है। हमारे यहाँ जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी कुटी नहीं निकली है और हमारे यहाँ का जो पार्सल है 20,000 रुपये और 30,000 रुपये ले रहा है कुटी के पहला तबके। और इसके पहले पप्पू टाइम से भी उस लड़के ने कहा था कि जिसने 30,000 रुपये दिए हैं उसने बताया था सीताराम पटेल ने कि मैंने 30,000 रुपये दिए हैं। और हमारे कमलनाथ जी ने जो सरकार आने वाली है कमलनाथ जी की, उन्होंने कहा है कि हम 500 रुपये का सिलेंडर देंगे, गरीबों के लिए, महिलाओं के लिए, नारी सम्मान के लिए 1500 रुपये देंगे। उससे जो प्रत्याशी हमारे यहाँ की खड़ी हुई है अगर वो जीतती है तो हमारे यहाँ की गरीब महिलाओं के लिए 1500 रुपये मिलेंगे, 500 रुपये का सिलेंडर मिलेगा, बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की जो की है जो सरकार आने वाली है, उन्होंने कहा है कि 5वीं से लेकर 8वीं तक 500 रुपये, 9वीं से लेकर 10वीं तक 1,000 रुपये और 11वीं से 12वीं वालों के लिए 1500 रुपये प्रति माह, ये बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए दिए जाएंगे। और भी आपकी योजनाएं कांग्रेस सरकार देगी क्या, आपको जानकारी है? हमारी जो आप बता रहे हैं कि आप 2018 में जो सरकार बनी थी उसमें कमलनाथ जी के बैठे थे तो उन्होंने 300 रुपये जो पेंशन मिली थी उसके लिए 600 रुपये दिया, उसको बढ़ाने के लिए उन्होंने 1,000 रुपये का मतलब आज प्रावधान था, परंतु किसी कारण मतलब जो हमारे ही जो जयचंद थे उन्होंने सरकार लगाया था और उसके बाद बीजेपी फिर से बैठ गई। तो जैसे सर सुनने में आ रहा था कि बीजेपी सरकार ने पैसों का लेन देन किया है, इस हिसाब से विधायक कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी में ज्वाइन किया, इसमें क्या कहना है? अब जी पुख्ता सबूत तो नहीं है मगर इसमें लेन देन तो हुआ है, जब तो सरकारों ने गिराई है, सरकार गिराई है तो जब लेन देन हुआ जब तो सरकार गिराई है। वही हमारे यहाँ के जो राजपूत जी हैं उनके लिए मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मध्य प्रदेश का युवक कांग्रेस बनाया, उनके लिए हर टिकट दिया, वो जीत कर आए, उनको मिनिस्टर बनाया, इतना बड़ा प्रलोभन मिला जब तो उन्हें बीजेपी ज्वाइन की और उन्हें सरकार गिराई, बिना प्रलोभन के कुछ नहीं होता। रोजगार देने का काम करें, सबसे पहले कमलनाथ जी का विजन है और यही विजन हमारे प्रत्याशी का है कि बीड़ी उद्योग खत्म होने के बाद हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, तो सबसे पहला काम होगा कि हम लोग रोजगार उपलब्ध करें। और विकास के मामले में शिक्षा को लेकर कमलनाथ जी ने जो घोषणाएं की हैं, ये जैसे स्कूलों में अभी चल रहा है राइजिंग, स्कूलों में ये सोर्स लगा लगा के क्या कर रहे हैं, अपने बड़े बड़े लोगों के बच्चों को भर रहे हैं, तो उसमें हम जो आम आदमी की बात है, कुटीरों में जो ये कमीशन ले रहे हैं, ये सारा बंद करके हम जिनका ओरिजिनल हक है उनको दिलाएंगे। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम नवीन सिंह है। चले भगत सिंह वार्ड निवासी। आप बीजेपी से बिलोंग करते हैं कि कांग्रेस पार्टी का सपोर्ट करेंगे? नहीं, आम जनता से हैं और इस बार जो है कांग्रेस पार्टी का ही सपोर्ट किया जाएगा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी लाने का आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? कांग्रेस पार्टी लाने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि जो भाजपा में अभी धांधली आई चल रही है उसको ख़त्म करना। दुकानें थी सागर जे शहर के अंदर, आज 400 दुकानें हैं, गली गली आप देख लो लोग बाग दारू पी रहे हैं, महिलाएं परेशान हैं, उनके पति लोग जितने कमाते हैं तो वो सब दारू के ठेके पे जाके देते हैं। तो हमारा जैसे मान लो मामा शिवराज सिंह चौहान अपने सगी बहनों के भांजियों के मामा बनते हैं, बहनों के भाई बनते हैं, तो उनको अच्छा लगता है कि उनके जीजा दारू पी के रोड पे पड़े रहे। तो जैसे ये बात आपने सही कही कि दारू पी के पड़े रहे, क्या कांग्रेस पार्टी सरकार आएगी तो क्या वो नहीं पिएंगे? कांग्रेस अगर आएगी तो ये हम ज्यादा तो नहीं बोल रहे मगर कम से कम दारू के ठेके